हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, आजकल बड़े चर्चा में हैं चक्रवाती तूफान फोनी, साइक्लोन फनी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है। हम जानेंगे कि ये चक्रवाती तूफान फोनी को कैसे मिला ये नाम और क्या है इसका मतलब। हाउ दिस साइक्लोन गेट्स द नेम फनी एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग। फोनी या फनी, चक्रवाती तूफान फोनी या फनी का नाम बांग्ला शब्द है जिसका मतलब सांप का फन होता है। ये नाम बांग्लादेश ने दिया है और इसका चयन पहले से मौजूद नामों की सूची में से ही किया गया है। नॉर्थ इंडियन ओशन में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए इंडिया, म्यांमार और पाकिस्तान समेत 8 देशों ने 8-8 नाम दिए हैं। भारत के मौसम विभाग के मुताबिक समुद्री तूफान फणी ने देश के पूर्वी तट पर दस्तक दे दी है। तूफान के सीधे रास्ते में आने वाले उड़ीसा में भारी बारिश हुई है और यहां तेज हवाएं चल रही है। पर्यटन के लिए मशहूर शहर पुरी में 175 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चली हैं। तूफान की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस तूफान का नाम बांग्लादेश ने रखा है। इस तूफान के नाम के उच्चारण को लेकर भ्रम की स्थिति है और मीडिया में इसे कई तरह से लिखा भी जा रहा है। कैसे रखे जाते हैं तूफानों के नाम? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने तूफान का नाम रखने के लिए एक प्रणाली बनाई है जिसके तहत अलग अलग देश अपनी ओर से नाम सुझाते हैं। तूफानों के नाम देशों की ओर से सुझाए गए नामों की सूची में से ही रखे जाते हैं। साल 2004 के बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड को मिलाकर कुल 8 देशों ने एक बैठक में हिस्सा लिया। इन देशों ने 64 नामों की एक सूची सौंपी। हर देश ने आने वाले चक्रवात के लिए 8 नाम सुझाए। उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में आने वाले तूफानों के नाम इसी सूची से रखे जाते हैं। फणी मतलब सांप। फणी तूफान का नाम भी इसी सूची में से ही रखा गया है। बांग्लादेश में फणी सांप को कहते हैं। ये शब्द फन या फण से ही बना है, या ये कहें कि फन का बंगाली उच्चारण है। फणी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है सांप का सिर। इसी से फणेश्वर बना है जो भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीते साल आए तूफान तितली का नाम पाकिस्तान ने रखा था। वहीं 2018 में ही आए तूफान गज ने भारी तबाही मचाई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस तूफान के नाम को लेकर जो कन्फ्यूजन है, जो उत्सुकता है जानने के लिए, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हैव अ नाइस डे एंड सेफ डे। थैंक यू।